राजमा बनाने के लिए हमने एक कटोरी राजमा लिया, जिसको दो तीन पानी से अच्छी तरह से हमने धो लिया है, और इसको हम एक कटोरी के करीब इसमें हम पानी ऐड करेंगे, और इसको 7 से 8 घंटा रेस्ट के लिए हम छोड़ देंगे, ताकि अच्छी तरह से फूल जाएगा। हमारा 7 से 8 घंटा हो चुका है, हमारा राजमा परफेक्ट फूल चुका है। अब इसको हम बॉयल करेंगे। बॉयल करने के लिए एक पैन को मीडियम टू लो फ्लेम पर गर्म करेंगे, उसमें 1 चम्मच के करीब हम तेल ऐड करेंगे और उसमें राजमा ऐड करेंगे, और इसमें आधा कप के करीब इसमें हम पानी ऐड करेंगे, ताकि हमारा राजमा अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि राजमा में ऑलरेडी पहले से ही पानी डाल के सॉफ्ट किया गया था। आप अपने हिसाब से इसमें पानी ऐड कर लीजिएगा, और इसमें 1 चम्मच के करीब हम नमक ऐड करेंगे अपने स्वाद के अनुसार, और इसको ढककर 3 सीटी आने तक इसको हम पकाएंगे। हमारा 3 सीटी हो चुका है, अब इसको हम चेक करेंगे। हमारा राजमा एकदम परफेक्ट सॉफ्ट हो चुका है। अब एक पैन को गर्म करेंगे, उसमें 1 चम्मच के करीब हम तेल ऐड करेंगे, और इसमें आधा चम्मच जीरा ऐड करेंगे, और इसको भी हम सौटे करेंगे। 1 दालचीनी, 3 हरी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 1 स्टार, 1 तेज पत्ता, इसको भी हम सौटे करेंगे, और इसको हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। 1 मीडियम साइज का प्याज कटा हुआ, 4-5 लहसुन की कलियां, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, 2 हरी इलायची, 3-4 लौंग, 5-6 काली मिर्च, इसको भी हम ऐड कर देंगे, और इसको भी अच्छी तरह से हम सौटे कर लेंगे। और इसमें हम कुछ काजू के नट्स ऐड करेंगे, आप अपने हिसाब से इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। और 1 मीडियम साइज का कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे, उसको भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, और उसमें ऊपर से स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे, ताकि हमारा सॉफ्ट हो जाएगा, और इसको ढककर 5 मिनट हम पकाएंगे। हमारा ग्रेवी एकदम सॉफ्ट हो चुका है। अब इसको हम पेस्ट बनाने के लिए ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद एक मिक्सर में इसको हम पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाने के लिए इसमें हम मिक्सर के जार में इसको ऐड करेंगे, और थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड करेंगे, 1/4 कप। हमारा पेस्ट एकदम परफेक्ट बना है। एक पैन को गरम करेंगे, उसमें हम 2 चम्मच के करीब तेल ऐड करेंगे, आधा चम्मच जीरा ऐड करेंगे, और 1 मीडियम साइज का प्याज कटा हुआ ऐड करेंगे, और इसको भी अच्छी तरह से हम सोटे कर लेंगे, और इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, इसको भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, इसको भी अच्छी तरह से हम सोटे कर लेंगे, और जो ग्रेवी हमने बनाया था उसको हम इसमें ऐड करेंगे, और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। हमारा ग्रेवी अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसमें हम राजमा ऐड करेंगे, और इसको भी अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। हमारा राजमे का कलर एकदम परफेक्ट आया है, और इसमें स्वाद के अनुसार इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने हिसाब से ऐड करिएगा, क्योंकि नमक पहले भी हम लोग ऐड किए हैं, इसलिए नमक स्वाद के अनुसार ही ऐड करिएगा। एक कप के करीब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आपको ग्रेवी कैसा रखना है उस हिसाब से आप पानी इसमें ऐड कर सकते हैं, और इसको ढककर कम से कम 2 सीटी आने तक इसको हम पकाएंगे। हमारा 2 सीटी आ चुका है। हमारा राजमा एकदम परफेक्ट बना है। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर देख ट्राई करिएगा। आपको ये रेसिपी कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।